मुरादाबाद में रविवार को चतुर्मास कर रही आरेका 105 श्री श्रेष्ठी भूषण माताजी एवं विश्वेशमती माताजी ने जैन धर्म के महापर्व 10 लक्षण पर्वों को विस्तार से समझाया एवं आज के दिन श्री जी को रजत रथ में विराजमान करके नगर भ्रमण करते हुए पंचायत भवन पर रथ यात्रा समाप्त हुई। ये रथ यात्रा मोहल्ला जीलाल जैन मंदिर से प्रारंभ हुई, जहां पर सर्वप्रथम श्री जी का अभिषेक हुआ। उस अभिषेक के जल में सरोवर हुई जयमाल की बोली अभिनंदन जैन अनंत जैन जैन मेटल परिवार को प्राप्त हुई। तत्पश्चात रथ यात्रा बर्तन बाजार होते हुए श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर लोहागढ़ पर पहुंची, जहां पर पुनः श्री जी का अभिषेक हुआ, जिसके जल में सरोवर जयमाल को प्राप्त करने का सौभाग्य अध्यक्ष अनिल जैन अंकित जैन मान सरोवर परिवार को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात शोभा यात्रा चौमुखा पुल टाउन हॉल होते हुए बाजार गंज गुरहेटी जैन मंदिर सिविल लाइन्स होते हुए पंचायत भवन पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा कनगर कोतवाली पर जैन मिलन द्वारा गंज बाजार में शशि जैन नरेश जैन परिवार द्वारा एवं जैन मंदिर सिविल लाइन्स पर मनोहर जैन सचिन जैन परिवार मिलन विहार द्वारा भव्य स्वागत किया गया। पंचायत भवन में प्रथम कलश शांति धारा करने का सौभाग्य मनोहर लाल जैन सचिन जैन परिवार को प्राप्त हुआ। उसके जल में सरोवर हुई जयमाल को प्राप्त करने का सौभाग्य नरेंद्र कुमार जैन विवेक जैन परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन, उपाध्यक्ष राजीव जैन, मंत्री अरविंद जैन, कोषाध्यक्ष दीपक जैन, प्रमोद जैन, अनुज जैन, समीर जैन, नितिन जैन, शुभम जैन, टीएमयू के कुलाधिपति सुरेश चंद्र जैन, वर्षायोग कमेटी के अध्यक्ष सर्वोदय जैन, संयोजक अरविंद जैन, रामगंगा विहार मंदिर के अध्यक्ष संदीप जैन, मंत्री नीरज जैन, महिला जैन समाज की अध्यक्ष नीलम जैन, उपाध्यक्ष प्रीति जैन, मंत्री शिखा जैन, उपमंत्री दीक्षा जैन, कोषाध्यक्ष सीमा जैन, इसके अतिरिक्त सैकड़ों की संख्या में जैन समाज रथ यात्रा में उपस्थिति रही। इस दौरान अंकित जैन ने बताया कि आज इस कार्यक्रम का समापन पंचायत भवन में हुआ है और मेरी ओर से यह संदेश है जो और जिन्हें दो चली। उसके बाद लोहागढ़ जैन मंदिर में शांति धारा प्रक्षाल हुआ, इसके बाद गंज मंदिर में पहुंची, उसके बाद वहाँ भी शांति धारा प्रक्षाल हुआ, उसके बाद पंचायत भवन में शांति धारा और प्रक्षाल हुआ। ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये सचिव माता जी एवं 105 यश माता जी के में चल रहा है और उसकी वजह से यहाँ काफी इस रथ यात्रा में काफी रौनक आई है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग जुड़े हैं और काफी लोग बाहर से आए हुए हैं इसी रथ यात्रा को देखने के लिए। मैं सभी जैन समाज के बंधुओं महिलाओं को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, और क्योंकि सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उसके बाद पंचायत भवन में सब कार्यक्रम करने के बाद यहाँ पर इतनी बहुत सी व्यवस्था करी गई है, जिसमें लोग आप देख ही रहे हैं कि काफी संख्या में लोग मुख्य रूप से कौन कौन लोग थे आज मुख्य रूप से श्री शंकर महावीर के चांसलर मिस्टर सुरेश जैन एवं अध्यक्ष रामगढ़ विहार मंदिर के अध्यक्ष एवं ये चतुर्मास माता जी का चल रहा है, इसके अध्यक्ष सरोदय जैन, उपाध्यक्ष राजीव जैन, नवरात्रि को विशेष कार्यक्रम आजकल मंदिर में डेली हो रहे हैं। आज ही लोहागढ़ जैन मंदिर में विशेष कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। जैन समाज का प्रोग्राम चल रहा सर, आज इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अक्षर की 10 दिन तक की पूजा के बाद हमेशा की तरह सैकड़ों साल से जिस तरह से हमारी ये रथ यात्रा निकलती है, आज वो रथ यात्रा वहां से मंडी चौक से शुरू होकर जिलाल मोहल्ले से और लोहागढ़ जैन मंदिर गंज होती हुई यहां पंचायत घर पर पहुंची है, और यहां पर इसका माता जी के प्रवचन के साथ और अभिषेक और शांति धारा के पश्चात समापन हुआ है। सभी के लिए यहाँ वात्सल्य भोज की व्यवस्था है और बहुत ही माता जी के होने की वजह से ये बहुत ही आज बड़ा और जबरदस्त कार्यक्रम था। बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर थी, बहुत लोग यहाँ पर थे,
और आज के बाद फिर माता जी का विहार रामगंगा विहार, उसके बाद अध्यक्ष अनिल जी के घर पर दो दिन के लिए और फिर तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर होगा, वहां पर माता जी के कार्यक्रम होंगे। इस तरह से ये सर इस प्रोग्राम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? इस प्रोग्राम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे भैया? इसको जैनियों का एक ही संदेश है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। किसी को मारो मत, किसी की हत्या मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, सब जीवों में दया करो। ये जैन धर्म का सिद्धांत है और हम लोग सब उसी का अनुपालन करते हैं और पूरे देश और पूरे मुरादाबाद के लिए भी ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शांति बनी रहे, जीवों की हत्या ना हो और ज्यादा से ज्यादा अहिंसा और सत्य का पालन हो।